जो के मीडिया राइट्स होते हैं उनको मिलाकर वो कहते हैं $25 million। 25 मिलियन, मेरे तो जबान अटक गई है, इतने पैसे होते भी हैं कसम से। कि पाकिस्तान का इवेंट है, पाकिस्तान उसकी मेजबानी करेगा, लेकिन अगर भारत नहीं आता तो इवेंट तो एक तरह से हमें ऐसे लगता है कि फीका फीका नजर आएगा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं पाकिस्तान को कड़वा घोंट पी लेना चाहिए कि अगर भारत नहीं आता तो पाकिस्तान भी 2026 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान भारत ना जाए, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ऐसा फैसला करना चाहिए अगर भारत इस तरह से आंखें दिखाता है दोबारा से। पाकिस्तानी मीडिया में पिटन पड़ चुका है और पाकिस्तानी मीडिया क्राइंग फुल टाइम पिटन पड़ा हुआ इस वक्त, जो तकरीबन इन स्पोर्ट्स तक की टीम को छोड़ के बाकी जितने भी लोग हैं वो पाकिस्तान के बारे में गुफ्तगू भी करते हैं लेकिन साथ वो गाली देते हैं। तो कोई है, हेलो, कोई है कि जो पाकिस्तान जाने के लिए तैयार हो चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए? कोई टीम है जो कह रही है कि हाँ हम पाकिस्तान जाएंगे और खेलेंगे? जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, अपनी ग्राउंड रियलिटी को समझना चाहिए। आप कह लो गुरुद्वारे या किसी भी मंदिर किसी जगह पे भी पाकिस्तानी जाकर बैठ जाएंगे ना, इतना पैसा जमा नहीं कर पाएंगे जितने यहाँ पर इनको इस मैच से मिलते हैं। तो भाई ये तो एक अजीबोगरीब सी बात है, मैं खुद हैरान हूँ कि लोग कैसे जो है यहाँ पर इतना ज्यादा पैसे को इग्नोर कर सकते हैं पाकिस्तानी खासतौर पर। ठीक है 6,000 काट ले, बाकी मुझे दे दे। क्रिकेट की बात होती है तो क्यों इंडिया पैट्रियोटिज्म की बात करता है, क्यों इंडिया अपनी टीम को ना भेजने की बात करता है जबकि बाकी तमाम चीजें होती हैं? वो गालियां देते हैं, हम गालियां नहीं देते हैं, ये हमारे और उनमें फर्क है। आपने बोला कि अगर उनका मीडिया है, यस हमारा मीडिया है, आपका मीडिया थोड़ा सा उनको तमीज सिखाने की जरूरत है। अगर बाकी खेल पाकिस्तान में हो सकते हैं, अगर टेनिस हॉकी के लिए इंडियन की टीम पाकिस्तान आ सकती है तो व्हाई नॉट क्रिकेट? आपके टीवी के प्राइम टाइम्स के ऊपर जाकर टॉक शोज हुए हैं तो क्या वो झूठ नहीं था? अगर वो झूठ था तो आप आज उसका अपने व्लॉग में जो आपने प्रोग्राम किया अपने टीम के साथ बैठ के, आप उसमें आज कह जाते कि जी फैसला हो गया नहीं आएगा। पाकिस्तान इस किस्म की अजीबोगरीब सी बेवकूफाना हरकतें करता है कि भाई हमने इंडिया के साथ मैचेस नहीं खेलने, तो इंडिया को तो फर्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि वो कहता है भाई ये $25 million क्या, ये 25 बिलियन भी हो ना तब भी अपने को फर्क नहीं पड़ रहा। विक्रांत गुप्ता साहब ने कहा है कि ये बोर्ड टू बोर्ड का मसला है, ये बोर्ड वर्सेस बोर्ड की लड़ाई है, ये सरकार वर्सेस सरकार का मसला है। विक्रांत भाई नहीं, ये ICC का मसला है, ये ICC का मसला है BCCI के साथ, यहाँ पर पाकिस्तान की सरकार का भारतीय सरकार के साथ कोई मसला नहीं है। मैं तो अपने मेरा आप इतनी वीलॉग देखते हैं नहीं देखते हैं, मैं तो अपने हर वीलॉग में कहता हूँ कि पैदल आइए अटारी वाघा बॉर्डर से आइए। इस सर फिर पागल हो गया। ICC ने ये डिसाइड कर दिया कि अगर टीम इंडिया नहीं आती चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान, तो इस टूर्नामेंट से ऑनवर्ड्स पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट हर मैच का बायकॉट कर देगा। देखिए इंडिया के पास ऑलरेडी इतना पैसा है, उनका आपको पता है 18,000 करोड़ जो है वो इंडिया के नेटवर्थ है सिर्फ क्रिकेट बोर्ड की, मैं आपको बता रहा हूँ क्या हुआ है। और पाकिस्तान का वही स्टैंड है कि हिंदुस्तान अगर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं खेलने आएगा तो पाकिस्तान इनके साथ 1 मार्च वाला मैच इंडिया पाकिस्तान से बाहर नहीं खेलने जा रहा, ये फिर मैच फॉरफिट समझिए। और पाकिस्तान अगले इवेंट्स के अंदर भी हिंदुस्तान के साथ अपना जो रेगुलर मैच है वो नहीं खेलने वाले। पाकिस्तानी लोगों को अगर लगता है कि इंडिया के साथ बॉयकॉट करके वो खुश कर रह सकते हैं तो एक काम करो करके देख लो, मैं गारंटीड बता रहा हूँ पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। आज एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि पाकिस्तान ने रिटर्न फॉर्म में तहरीरी तौर पर भारत से ये मांग लिया कि क्या भारत पाकिस्तान में होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत करेगा या नहीं करेगा। जय हिंद दोस्तों, तो पाकिस्तानी मीडिया इस वीडियो में चर्चा कर रहा है कि भारत खेलने नहीं आ रहा पाकिस्तान जो चैंपियनशिप होने वाली है 2025 में, तो उसका बायकॉट अभी से भारत ने कर दिया है। अफगानिस्तान भी लाइन में लग गया है, कुछ कंट्रीज अभी विचार कर रही हैं, अभी काफ़ी समय है क्योंकि विचार इसलिए कर रहे हैं सुरक्षा को लेकर कंसर्न्स हैं। हर दिन बम ब्लास्ट हो रहे हैं पाकिस्तान में हर दिन, तो अब ऐसी जगह पर कोई भी कंट्री अपनी टीम को कैसे भेज सकती है? कुछ भी अनहोनी हो जाए, सुरक्षा हम खुद भी लेकर भी जाते हैं तब भी दूसरी जगह पर हो आप पूरी तरह से आप छानबीन नहीं कर सकते, एजेंसियां कितनी भी प्रॉपर हों दूसरी जगह जाकर उस हिसाब से सुरक्षा नहीं कर सकती। हालांकि सुरक्षा घेरा रहता है अपना, लेकिन ज़्यादातर आपको निर्भर उसी कंट्री की सुरक्षा पर रहना पड़ेगा, लेकिन वो कंट्री की सुरक्षा पर आप निर्भर कैसे रह सकते हैं? वो कंट्री अपने लोगों की सुरक्षा नहीं कर पा रही है, हर दिन बम ब्लास्ट होते हैं, इनके कितने न जाने आर्मी के लोग निपट चुके हैं, उनके आंकड़े भी छुपा लेते हैं, बहुत खतरनाक लोग हैं। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि ऐसी, हालांकि हमारे कुछ अलग कंसर्न्स हैं तो हमने मना कर दिया, लेकिन बाकी कंट्री सुरक्षा के लिहाज से मना कर रही हैं। अब वो मना कर रही हैं तो पाकिस्तान कह रहा है कि भारत ने इसमें शुरुआत की है, भारत ने बायकॉट किया तो सभी लान में आ रहे हैं एक एक करके, तो हमें भी भारत का बायकॉट करना चाहिए, हम भी भारत खेलने नहीं जाएंगे। तो ये बात तो हम बहुत समय से कह रहे हैं, बताइए भारत खेलने के लिए हिम्मत हो तो, ये देखिए बात पर अड़े रहना आना ही मत, भारत नहीं आएगा इसकी गारंटी है, इसकी गारंटी है कि भारत पाकिस्तान खेलने के लिए नहीं जाएगा, लेकिन पाकिस्तान फिर कभी नहीं आना चाहिए, इसकी गारंटी आप दीजिए।
हालांकि पाकिस्तानियों का कोई भरोसा नहीं है, कई बार इस तरह की बातें करके ये मुकर जाते हैं, जब इनको पैसा दिखाई देता ना तो दौड़े चले आते हैं। तो पाकिस्तानियों का इस तरह ऐसा ही है, लेकिन पाकिस्तान का मीडिया अभी उसी हिसाब से कह रहा है कि जब भारत नहीं आ रहा तो पाकिस्तान को भी बायकॉट करना चाहिए और भारत को औकात दिखानी चाहिए। मतलब इनको लगता है कि पाकिस्तान अगर भारत नहीं आएगा तो भारत का पता नहीं कौन सा नुकसान हो जाएगा। ये उसी भ्रम में है जैसे इमरान खान ने 370 हटा था ना कश्मीर से, जब व्यापार बंद कर दिया था, तो ये इन्होंने सोचा था कि भारत को बहुत नुकसान हो जाएगा। इन्होंने ये नहीं सोचा था कि 25 रुपए की जो चीज़ हमें मिल रही है वो आगे चल के हमें 250 की मिलेगी। तो उसी तरह का ये क्रिकेट के मामले में दिमाग लगा रहा है, इससे आगे का ये सोच भी नहीं सकते। तो चलिए पाकिस्तान का मीडिया आगे और क्या कहता वो देखते हैं। बहुत ज्यादा जज्बाती फैसले करने की जरूरत नहीं है। जब एशिया कप के मौके पे जय शाह साहब का स्टेटमेंट आया था कि उनकी टीम नहीं आएगी पाकिस्तान, तो थक करके उस वक्त के चेयरमैन रमीज आजम साहब ने स्टेटमेंट दिया वो नहीं आएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे। आप अपनी ग्राउंड रियलिटी को समझें। आईसीसी हो या जितने भी क्रिकेट बोर्ड हो, वो बीसीसीआई के आगे पीछे घूमने वाले लोग हैं। आपको मौका मिलेगा आप भी यही काम करेंगे, इतना पैसा आता है वहां से। तो उनकी उनकी अथॉरिटी, उनकी जो सूरत हाल है, उनकी जो अथॉरिटी है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। समझ गए आप मेरी बात? जी 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 जी। तो इसको बस इसी तरीके से लीजिए कि लेकिन सवाल ये उठते हैं ना कि नसीम भाई, ये फिर मामला कहीं ना कहीं पर तो जाकर रुकने चाहिए ना, कि पहले एशिया कप हुआ उसमें हाइब्रिड मॉडल आ गया, फिर अब चैंपियंस ट्रॉफी पर ऐसी बातें होना शुरू हो गई हैं, तो फिर पाकिस्तान को कोई ना कोई तो स्टैंड लेना चाहिए ना। अगर आपको नुकसान भी होता है, माली नुकसान पाकिस्तान को होता है, तो आपको कम अज कम दुनिया को एक मैसेज तो देना चाहिए ना कि भाई अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर हम भी तैयार हैं। यार ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि क्रिकेट फीफा आईसीसी फीफा नहीं है ना आईओसी है। हाँ, ये 210 ममालिक हैं, यहाँ सिर्फ 10 ममालिक खेलते हैं, 10 ममालिक में एक मुल्क पैसा लेकर आता है, तो पता चलता है कि सारे के सारे उसके आगे पीछे ज्यादा मेनली पैसा लाते हैं तो सब उसके पीछे चले जाते हैं। और आईसीसी की अपनी अथॉरिटी दिखाई नहीं देती। जरा आप के मामले में या आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के मामले में किसी सरकार की मुदाखलत थोड़ी सी करके तो देखें, सेकेंड में बैन लगता है, क्योंकि उनके पास ऑप्शन बहुत है, उनकी बॉडी बहुत स्ट्रांग है। आपकी आईसीसी बॉडी बहुत कमजोर है, क्योंकि अगर वहां पे कोई एक हुकूमत अगर मुदाखलत कर देती है तो उसके बाद उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता कि वो मजीद कोई जो है वो पेशरफ कर सके। आप आईसीसी के पास कुछ नहीं होता, सारे क्रिकेट बोर्ड जाके उनके पास बैठ जाएंगे तो वो करेंगे क्या? आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अकलमंदी से, मोहसिन नकवी साहब बहुत अच्छे अंदाज से इसको डील कर रहे हैं। वैसे एक बात बताऊं, हमने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जराए से खबर सुनी है, मोहसिन नकवी साहब इस इशू पे बहुत कम बात करते हैं। उन्होंने बस सिर्फ यही कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी और इंडियन की टीम भी आएगी उन्होंने, लेकिन फ्लेक्सिबल उन्होंने कभी ये नहीं कहा नहीं ऐसा ही होगा। तो दोस्तों भारत ने तो बायकॉट कर दिया है, और ये मैं कह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि आइसोलेट ना हो जाओ आप। पाकिस्तानियों को ये सोचने की ज़रूरत है कि देखिए हो सकता है कि आईसीसी को लगे कि ज़्यादातर कंट्री सीधा सीधा पाकिस्तान जाने से मना कर रही हैं, और वहाँ के हालात देखिए, आज ब्लास्ट, कल ब्लास्ट, परसों ब्लास्ट, मतलब ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन ब्लास्ट ना हो रहा हो कहीं ना कहीं। तो इस हिसाब से आईसीसी भी डिसीजन ले सकता है कि नहीं, जो पाकिस्तान में हम जो चैंपियनशिप करा रहे हैं उसमें सुरक्षा को लेकर ज़्यादा कंसर्न्स हैं, तो इस हिसाब से हमें इसे कहीं और ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो ये तो बहुत महंगा हो जाएगा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि सिर्फ भारत ने ना आने से शुरुआत की थी और अदर कंट्रियां धीरे धीरे खिसक रही हैं, तो सभी के खिसकने से आपका जो चैंपियनशिप ट्रॉफी कराने का जो सपना सजाए बैठे होगी, बहुत दुनिया भर से टूरिस्ट आएंगे और इससे हम बहुत पैसा कमा सकते हैं, वो सारे अरमान व्यर्थ ना हो जाए। हालांकि टीमें आ जाएंगी, और सुरक्षा के मामले में देखिए हर किसी को अपनी सुरक्षा ज़रूरी होती है, तो मुझे नहीं लगता कि टूरिस्ट उस हिसाब से आएंगे पाकिस्तान में, क्योंकि कहीं किसी भी देश में अगर मैच हो रहा है तो दुनिया जाती है देखने के लिए, ये तो रिकॉर्ड रहा है। लेकिन पाकिस्तान के मामले में थोड़ा हर किसी को, अब देखिए जहाँ पर आप सुन रहे हो पाकिस्तान में आज ब्लास्ट, कल ब्लास्ट, परसों ब्लास्ट, इस तरह से ब्लास्ट हो रहा है, और आपको पाकिस्तान जाना हो तो जाओगे? कभी नहीं जाओगे, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ है खुद की सुरक्षा। हर किसी को अपनी सुरक्षा देखनी है, तो पब्लिक भी नहीं जाएगी। तो पाकिस्तान ही अगर उस भ्रम में है, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होती भी है तो पब्लिक उतनी नहीं आएगी, इस भ्रम में आप ना रहो। और रही बात अगर इसी तरह से ब्लास्ट होते रहे और आप इसे रोकने में नाकामयाब रहे, तो आईसीसी कोई कड़ा फैसला भी ले सकता है, जो कि पाकिस्तानियों के लिए बहुत भारी पड़ेगा।